तो मेरे पास तुम हो ड्रामे में आप किसका मर्डर होने वाला है, यहां पर कौन जान से जाने वाला है, आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं भैया क्या बनेगा सिनेरियो जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा यहां पे एक ऐसा कत्ल जिसको देख के आप लोग हो जाओगे हैरान। भैया क्या है वो बात, किसका होने वाला है कत्ल, आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यू डिक्शनरी, तो भैया जल्दी से कर लें ऐप को डाउनलोड, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा। आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इट्स ऑल अबाउट। दानिश अब शहवार के साथ क्या करने वाला है, यहां पर काफी गुस्से में जाता है भैया कॉन्फ्रेंस रूम में, वहां पर जाके एकदम से शहवार के साथ क्या करेगा, क्यों करेगा, क्या बनी ऐसी रीजन जिसकी वजह से दानिश को इतना गुस्सा आया, इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। साथ में आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि अगर यह केस कोर्ट में जाता है तो किसकी होगी जीत, यहां पे रोमी किसके पास जाएगा। आज के एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा था यह भी बताऊंगा, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि भैया स्क्रिप्ट के अंदर अगेन मुझे नजर आई एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक। यहां पर खलीलुर रहमान तो काफी बड़े राइटर हैं, लेकिन एज अ व्यूअर मुझे क्या लगा भैया एक और ऐसा पॉइंट जिसको सुन के आप लोग होंगे काफी हैरान, इस पॉइंट का भी आज के स्टूडियो में जिक्र करने वाला हूं। तो फिर भैया जो नए लोग आए मेरे चैनल पर तो जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहां @NOMAN ALEEM, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। हाय मिस्टर नुमान अलीम, सर आज हम बात करेंगे भैया मेरे पास तुम हो कि एपिसोड 14 के बारे में बताऊंगा, इस एपिसोड में मुझे क्या लगा अच्छा क्या बुरा, और एक्सपेक्टेडली एपिसोड 15 में आपको क्या दिखाया जा सकता है। तो फिर वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये डिक्शनरी ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली होगी, यहां पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जल्दी से डाउनलोड कर लें। इस ऐप की सबसे कमाल की बात आपको बताता हूं, सबसे पहले तो जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपने इसकी जाना है सेटिंग्स में, और वहां पे आपको मिलेगा एक मैजिक ट्रांसलेट का फीचर। इस फीचर को जब आप ऑन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा भैया, आपने अक्सर देखा कि आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड, खासतौर पर आपकी गर्लफ्रेंड, आपको इतने मुश्किल मैसेज कर देती है जिसका आंसर आपके पास नहीं होता। यहां पर काफी इंग्लिश जब वो यूज करती है तो आपको नहीं पता होता कि इसका आंसर कैसे करना है, क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन आपको नहीं आती। तो आपने सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहां पर यू डिक्शनरी के कर्सर को आपने होवर करना है उस टेक्स्ट के ऊपर, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा, जिसके बाद आप बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हो। इस ऐप को आप जल्दी से डाउनलोड कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा भैया, बहुत ही कमाल की और बहुत ही ऑथेंटिक वे में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि इसके अंदर फीचर है ऑक्सफोर्ड इनसाइट का। तो भैया जरूर ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यू डिक्शनरी का लिंक जरूर मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि इस ड्रामे के अंदर किसका मर्डर होगा और आखिर क्यों दानिश इतने गुस्से से गया है भैया शहवार के पास, वहां पर क्या करने वाला है। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा लिंक करते हैं। तो भैया होगा कुछ ऐसे कि आपने देखा कि इसी एपिसोड से यहां पर महविश काफी ज्यादा फोर्स करना शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा पुश कर रही है, बार बार दानिश को यह कह रही है कि किसी तरीके से वो रोमी हफ्ते में 2 दिन के लिए उसके पास छोड़ जाए या वो लेने आ जाएगी। मतलब तो पहले मुझे हैरानगी इस बात पर हो रही है कि कितने ये लोग ना नवाब बन गए कि आप फोन करें कि वो दानिश रोमी को घर में आके छोड़ दे, जैसे वो तुम्हारे बाप का नौकर लगाएगा वो ये काम भी करेगा, रोमी को तुम्हारे पास स्पेशल छोड़ के भी जाएगा। तो भैया ऐसा सीन नहीं होने वाला। आपने देखा कि महविश के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद वो नहीं माना, उसने यही कहा कि अगर तुम रोमी से मिलना चाहती तो जा सकती हो बोर्डिंग, वहां जाके मिल लो, लेकिन साथ लेके जाने वाला भैया बिल्कुल भी काम नहीं है। और मजे का सीन मुझे लगा वो भी जहां पर प्रिंसिपल कहती है कि आपको परमिशन लेटर लेना होगा फादर से, क्योंकि उन्होंने यहां पर एडमिट कराया। तो भैया बात अब कुछ ऐसे है कि आप देखोगे कि जिस टाइम महविश जाएगी अपने बेटे रोमी से मिलने के लिए तो अगले एपिसोड में वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं होगा, वो बिल्कुल भी मां से नहीं मिलना चाहेगा, जिसके बाद महविश यही कहेगी शहवार को कि उसने मेरे बच्चे को बहुत ही ज्यादा पढ़ा दिया जिसकी वजह से वो मुझसे नहीं मिलता, आप प्लीज उसको कॉल करके धमकाएं, यहां पर जो भी आपने उसको कहना है एटलीस्ट वो मेरे पास रोमी को छोड़ जाए या रोमी को मैं खुद लेके आ सकूं। तो जब यह बात होगी तो उसके बाद शहवार भी कॉल करेगा दानिश को, उसे ये कहेगा कि तुम अगर रोमी को नहीं आने दोगे तो मेरा वकील तुम्हारा गिरेबान पकड़ लेगा। तो ये बात भैया काफी ज्यादा उसको मुश्किल में डालेगी, काफी सोचेगा कि मैं अब क्या कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ने लगा हूं, यहां पर मेरी सारी सैलरी इन चीजों में चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि दानिश जाएगा रोमी के पास और उसको जाके समझाएगा कि तुम चले जाओ अपनी मां के पास, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो, जबकि वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं होगा। यहां पर बार बार जब दानिश उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा तो फिर रोमी आगे से यह कहेगा, you know what,
यू आर नॉट माई स्ट्रेंथ, यू आर माई वीकनेस। दैट मीन्स के वो बात मानना तो चाह रहा है लेकिन अब अपने बाप को वीकनेस बना के, जिसकी वजह से दानिश को हो सकता है कि काफी होश आए ये बात सुन के कि कभी मेरे बच्चे ने भी मेरी बात मानी थी, यहाँ पर जब मैंने ये बात बोली थी तो इसने अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज लाया जिसकी वजह से सारे टीचर्स अब इससे खुश हैं, तो क्यों ना मैं भी अब अपने अंदर चेंज लाऊं, मैं भी अपने आप को इसकी स्ट्रेंथ बनाऊं ना कि कमजोरी, जिसकी वजह से दानिश के अंदर काफी जुनून आएगा और मेरे ख्याल से रेडी होकर डायरेक्टली वो जाने की कोशिश करेगा। मतलब कोशिश क्या, चला जाएगा सीधा डायरेक्टली, वो भी शहवार के कॉन्फ्रेंस रूम में जहां पर चल रही होगी मीटिंग। अब जिस तरह से शहवार ने कहा था कि मेरा वकील आके तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगा, तो यहां पर वर्स सीन ये भी दिखाया जा सकता है, हो सकता है कि दानिश अब इतना वाइल्ड हो जाए कि वो जाके गिरेबान पकड़ ले। मतलब ये सिर्फ एक अजम्पशन है, यहाँ पर ऐसा सीन अगर दिखाएंगे तो काफ़ी कमाल का, क्योंकि भैया एक बहुत ही रिस्पेक्ट का मैटर होता है इस तरह के कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, और जिस टाइम सब लोग देखेंगे कि शहवार की ठीक ठाक हो रही है और शहवार को अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जब बात होती है बिजनेस की तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जब इतने सारे लोगों के सामने दानिश कुछ भी बदतमीजी करेगा या गुस्से से बोलेगा तो शहवार को आएगा गुस्सा, यहाँ पर वो अब कुछ भी कर सकता है तो वो क्या कर सकता है। अगली कहानी ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग लीगल वे में जाएंगे शहवार दानिश की फाइट दिखाने के लिए, दोनों की पावर दिखाने के लिए बड़ा जरूरी होगा कि इनको किसी भी तरीके से लड़ाया जाए, और वो तरीका यही है कि बच्चे का आ गया बीच में मामला, मतलब शहवार भी वहां पर अब ये चाहता है कि किसी तरीके से वो ये काम करके दिखाए, दानिश भी अपने बच्चे की स्ट्रेंथ बनना चाहता है ना कि वीकनेस, जिसकी वजह से ये लोग केस लड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बात आएगी कोर्ट में तो कोर्ट में तो डेफिनेटली कोर्ट वाले 5 साल से जब ऊपर बच्चा हो जाता है तो वो डायरेक्टली बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आपको किसके पास रहना है, यहाँ पर मामा के पास रहना है या बाबा के पास रहना है, तो मेजॉरिटी केसेस में बच्चे वहीं पर फॉल करते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा प्यार होता है। तो इस केस में रोमी तो डेफिनेटली मामा के पास नहीं रहने वाला, वो यही कहेगा कि मुझे रहना है अपने बाबा के पास, जिसकी वजह से शहवार हो सकता है दानिश के वकील का मर्डर कर दे क्योंकि वो केस जीत जाएगा, या ये भी हो सकता है कि उसके आने से पहले, केस करने से पहले, फाइट करने से पहले वो उसके वकील का मर्डर कर दे। मतलब मुझे यही लगता है, आप लोगों को क्या लगता है किसका हो सकता है मर्डर, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा यार अगर बात करें मिस्टेक की जो कि मुझे नजर आई आज की एपिसोड में भी, खलीलुर रहमान की राइटिंग वैसे तो बहुत ही कमाल की, डायलॉग भी बहुत ही अच्छे, लेकिन एक चीज की मुझे कमी फील होती है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पर यहां पर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ही इंसान ये स्टोरी हमें बोल के सुना रहा है। जैसे एक इंसान के बात करने का स्टाइल होता है तो वो हर बात अपने ही तरीके से सुनाता है। आपने देखा कि यहां पर शहवार वर्ड यूज करता है कि तुम उस 2 टके के बंदे का क्यों करोगी इंतजार या व्हाटएवर, जो भी दानिश को वो मुखातिब करके ये बात कर रहा था, दैट मींस कि 2 टके का वर्ड अगेन अब यहां पर शहवार ने बोला, इससे पहले दानिश ने बोला था। और आपने ये भी देखा कि दानिश का वकील ये कह रहा होता है कि रोमी अपनी माँ के साथ चिपक के लेटा रहेगा, यहाँ पर उन दोनों को टाइम नहीं मिलेगा, मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा होता है एक सर्टन वे में, और एग्जैक्टली वही वे आपको दिखाया जाता है शहवार की तरफ से, वो भी उसी स्टाइल में सेम लाइंस बोल रहे हैं कि अगर वो आया हफ्ते इतवार को हमारे पास तो वो तुम्हारे साथ चिपका रहेगा, मुझे कहाँ मिलेगा टाइम। तो ये जो पॉइंट है, मतलब मल्टीपल करेक्टर एक ही तरह से बोल रहे हैं, उनके स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट अगर वो कोई ये बात रिपीट भी करना चाह रहे हैं तो रिपीट भी उधर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में हो तो ज्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट वर्डिंग यूज नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आज की एपिसोड के सबसे बेहतरीन सीन की, मतलब सीन तो नहीं आप उसे कह सकते, यहां पर कह सकते हो डायलॉग, क्योंकि मेनली ये जो ड्रामा हिट हो रहा है अपने डायलॉग्स की वजह से ही हिट हो रहा है। जैसे पहले आप लोगों ने देखा कि 2 टके की लड़की के पीछे 50 मिलियन यहां पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, और अब एक और आपको ऐसी लाइन सुनने को मिली है भैया जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वायरल हो सकती है, बहुत ही क्रिस्प ये लाइन है और इस लाइन का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो भैया कहता है यहां पर शहवार अपनी गर्लफ्रेंड मेहविश को कि अगर लवर रहोगी तो अच्छा लगेगा, अगर मां बनोगी तो एक रात में 50 की हो जाओगी। अब इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब यह है कि मतलब यहां पर मतलब काफी बोल्ड है, इसलिए मैं पहले आप लोगों को बता दूं, ऑकवर्ड फील ना आप लोग करना। जैसे प्रोस्टिट्यूट होती है ना, उसका एक सर्टन रेट होता है, ग्रेजुअली बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसका रेट जो है वो कम होता चला जाता है। लेट्स से अगर कोई एक औरत स्टार्ट में 2000 रुपया लेती थी तो वो 4 महीने बाद 1500 ले रही होगी, और उसके बाद ग्रेजुअली उसका रेट कम होता होता 50 रुपये पे आ गया। तो ये वो टोंट कर रहा है, मतलब कितनी घिरी हुई बात है, काफ़ी बोल्ड बात है, ड्रामों के अंदर काफ़ी बोल्ड लाइन्स मेरे ख्याल से आना शुरू हो गई हैं।
कुछ हद तक ये इंटरटेनिंग है यहाँ पर अडल्ट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे जिनको लग गया पता है इसके मतलब का, वो सोचेंगे कि भैया क्या ही लेवल हो गया हमारे ड्रामों का। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, कुछ नेगेटिव वे में लेंगे, लेकिन भैया आप लोग किस वे में ले रहे हो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पेश होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दूसरे वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।